2021 के इंडिपेंडेंस डे के लिए करण जौहर ने कर दिया है बड़ा ऐलान। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, करण जौहर जिनका प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा है, जो बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, जिनको फिलहाल एनसीबी ने सम्मन भेजा है और जिनपे नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा धब्बा लगा हुआ है, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी जी को टैग करके लिखा है कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग बॉलीवुड जगत से वो लेके आ रहे हैं। और इस ट्वीट में उन्होंने शामिल किया है महावीर जैन, राजकुमार संतोषी और दिनेश विजयन को। और इन डायरेक्टर्स के साथ करण जौहर जल्द ही कुछ नया लेके आएंगे। और उन्होंने अपने ट्विटर पे आके ये सब कर दिया है अनाउंस कि हम अपने भारत को लेके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, कि हमारा कल्चर क्या है, हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कैसे बने और किस तरीके से हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन को हमारे भारत के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो। और एक फिल्म के माध्यम से अगर हम किसी को इस तरीके से समझा दें तो बहुत अच्छे तरीके से यूथ भी समझ जाता है। तो ये कोशिश करने लगे हैं करण जौहर, और उन्होंने ट्विटर के जरिए कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। लेकिन अब देखना यही बाकी है कि करण जौहर जो विवादों में घिरे हुए हैं फिलहाल नेपोटिज्म के कारण और एनसीबी के कारण, अब देखते हैं कि किस तरह से यूथ रिएक्ट करता है और किस तरह से ऑडियंस उनको रिएक्ट करती है। बता दें, जब से सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ है तब से करण जौहर का नाम इस सब में शामिल होना शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखना यही बाकी है कि करण जौहर किस तरीके से इस केस से बाहर आते हैं और किस तरीके से फिर से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। बता दें, इसी केस के चलते सड़क टू को भी काफी ज्यादा डिसलाइक्स मिल गए थे, क्योंकि नेपोटिज्म को प्रमोट किया जा रहा था। लेकिन अब करण जौहर एक फिल्म लेके आएंगे तो उसको कितना प्यार मिलता है, उसको कितने लाइक्स और डिसलाइक्स मिलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल करण जौहर ने 3 डायरेक्टर्स के साथ कर दिया है बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इंडिपेंडेंस को लेके और हमारे भारत को लेके। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है सब पे, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा मुझे यानी अभिषेक को और गूगल बॉलीवुड को।